सब कुछ जानने के बाद कि फॉर्मेलिन यूज होता है गन्ना इंडस्ट्री में, शक्कर बनता है, इतना डेंजरस है, अब तक शक्कर पे क्यों नहीं वो किया गया? भाई शक्कर इस तरह की बने जो हमारे सोच जब कोई सिनेमा में या टीवी में हीरो हीरोइन स्मोकिंग करते हैं, नीचे क्या आता है? लेकिन आपको चर्चिल मालूम है? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन का वो 100 के ऊपर जिया, एकदम टकाटक जिया, जिंदगी भर उसने चिरूट पिया, जिंदगी भर सिगार पिया। तो नीचे ऐसा वाक्य क्यों नहीं आता कि चर्चिल ने जिंदगी भर सिगार पिया और 100 के ऊपर उसकी जिंदगी वो जिंदा रहा, अच्छा रहा, ऐसा वाक्य क्यों नहीं आता? सत्य है मैडम, सत्य है, फिर कोई भी वाक्य आता है सर? क्योंकि वो लाखों में एक है, एक्सेप्शन मानता हूं। मुझे भी मालूम है चर्चिल जिंदगी भर कितने भी आप नियम बनाओ, कुछ तो व्यक्ति ऐसे रहेंगे कि वो नियम के परे रहे, अपवाद होते हैं। हम अपवादों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। बंबई में या मैं नासिक जाता हूं बहुत समय, एक वहां कॉलेज रोड करके है, कॉलेज, वो कॉलेज रोड पे जो बच्चे हैं, बच्चे पीछे बच्ची होती है लड़की, उसको इंप्रेस करने के लिए दोनों हाथ छोड़ के मोटरसाइकिल चलाते हैं। आप में से कोई दोनों हाथ छोड़ के मोटरसाइकिल चलाएगा? आप नहीं, दोनों हाथ पकड़, मैं तो दोनों हाथ पकड़ के चल मोटर। एक्सीडेंट हुआ है उसका? नहीं हुआ है ना। ऐसा अगर वो मुझे आर्ग्यू करेगा तो मैं क्या जवाब दूं उसको? वेट फॉर एक्सीडेंट टू हैपन। हजार में से एक लड़का अगर दोनों हाथ छोड़ के मोटरसाइकिल चलाता है, मैं तारीफ करता हूं उसकी, उसका अनुकरण नहीं कर सकता। जैसे एक वक्त खाना खा के कोई अगर निरोगी रहता है, उसकी तारीफ करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं, लेकिन वो लोग दरवाजा खुला है वो व्यक्ति जा सकता है। इट इज नॉट टू बी फॉलोड ब्लाइंडली। उनका क्या जिंदगी है? क्योंकि हम जो विचार करते हैं ना, उस विचार करने का भी शैली, आई कम टू सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक है अपना एक पॉइंट। उन साधु महात्मा का विचार करने का ढंग भी अलग रहता है, हम उस तरह से नहीं सोच सकते। उनके सोचने मात्र शरीर में फर्क पड़ सकता है जो हमें अवेलेबल नहीं है। तो अपवाद जरूर अपवाद होंगे, एक्सेप्शन। चलो ये मेडिसिन और बायोकेमिस्ट्री के अपवाद को छोड़ दो, मैं फिजिक्स के अपवाद की बात करता हूं। फिजिक्स तो ठोस है ना। व्हाट इज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर? फिजिक्स तो पढ़े है ना। किसी भी द्रव का टेम्परेचर जब कम करते हैं तो उसका आकार कम होता है। जब किसी भी वस्तु का टेम्परेचर देते हैं, उसको तापमान बढ़ाते हैं, तो एक्सपांड होता है। पानी का आकार कम होता है, लेकिन 4 डिग्री में जब पानी आता है तो पानी का आकार बढ़ता है। क्यों पता नहीं, फिजिक्स को पता नहीं है पानी का आकार क्यों बढ़ता है। आप ह्यूमन के एनोमलीज और अपवाद के बारे में क्या बात कर रहे हो? सारा संसार ये नहीं जानता पानी का टेम्परेचर जब कम होता है आकार कम होता है, फिर 4 डिग्री पानी पहुंचने के बाद उसका आकार क्यों बढ़ता है? बोलो मुझे, पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, सारे संसार को पता नहीं, क्योंकि अपवाद है। इसीलिए उसको बोलते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और क्यों बढ़ता है मुझे मालूम है, क्यों बढ़ता है? अगर पानी जम जाता और पानी और सॉलिड हो जाता तो पानी के नीचे जो सारी जीव सृष्टि है वो मर जाती। यहां पानी का एक्सपांशन होता है, इसलिए उसकी डेंसिटी कम होती है पानी से। बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है, और ऊपर बर्फ रहता है और नीचे पानी रहता है। इसलिए जल में जो जीव, क्योंकि हमारा जो जेनेसिस है ना वो पानी में से हुआ है, तो अगर ये बर्फ जमेगा एंड तक बर्फ जमेगा तो सब मर जाएंगे। तो वो ना मरे इसलिए निसर्ग ने पानी में एक अपवाद करके रखा है कि 4 डिग्री आने के बाद पानी का आकार बढ़ेगा, उसकी डेंसिटी कम होगी, वाटर के तुलना में बर्फ हल्का होगा और वो तैरेगा।
सी द ब्यूटी ऑफ द नेचर. सो अपवाद को लेके संघर्ष के रूप में विचार करने के बजाय अपवाद को बाजू में रख के हमें क्या सूट करता है. सर सर बेबीज होते हैं जो मदर जिनको फीड कर रही है उनमें बीमारियां मदर के खाने की वजह से. बेबीज जो है बेबीज जिनको मदर फीड कर रही है तो उनमें जो डिजीज हो रही है वो मदर के फूड की वजह से. जैसे 100% आई विल गिव यू वंडरफुल एग्जांपल. मेरे सर जो है डॉक्टर अरुण सुखदेव करके उनके पास है 3 महीने का बच्चा माँ उसकी लेके आई. वो 3 महीने बच्चे को फिर आते थे 3 महीने के बच्चों को फिर आते थे. वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाके आया बच्चा और आदमी वो लेके आया था. मेरे सर न्यूट्रिशनिस्ट है और नेचुरोपैथ है. तो सर ने पूछा कि वो औरत क्या खाती है. वो औरत के खाने में डालडा का प्रमाण बहुत था. वो डालडा उसके आपको पता है माँ के ब्रेस्ट मिल्क का एनालिसिस हुआ है एंड आर यू अवेयर इवन टुडेज ब्रेस्ट मिल्क आल्सो इज कॉन्टेमिनेटेड. मैं नहीं बोल रहा हूं, साइंस ने रिसर्च करके बताया आज की जो माएं हैं उनका ब्रेस्ट का जो मिल्क जो संसार में बेस्ट माना जाता है आज वो भी कॉन्टेमिनेटेड है. क्यों? वो अगर पिज्जा खाएगी, वो अगर बिस्किट खाएगी, वो अगर मैकडोनल्ड और सब्वे में जाके खाना खाएगी तो उसका दूध कैसे बना. अन्ना तो होती भूतानी पर्जन्यात अन्न संभवा यज्ञात होती पर्जन यज्ञ साठ. साल की मेरी एक स्टूडेंट है उसका मुझे फोन आया. क्या बताऊं ऐसे हजारों केसेस मेरे पास है. मैं एक दो केसेस के आधार पर नहीं बोल रहा हूं. आई टेल यू उसका मुझे फोन आया. आज मैं बोलता हूं तो मुझे रोना आता है. उसका 3 साल का पोता है. 3 साल के पोते को चश्मा लगा करके वो भाई का मुझे फोन आया. मैं गया उसके पास. वो 3 साल का इतना सा बच्चा था चश्मा पकड़ भी नहीं पा रहा था. उसने वो रबड़ लगा के वो पैक किया था क्योंकि वो गिरता था चश्मा. थोड़ा सा खुला था मैंने फिर मालूम पड़ा उसकी जो माँ थी शी वाज अराउंड 34-35 व्हाटएवर इट इज. उससे जब मैंने बात की तब पता चला मुझे ना वो मार्केटिंग वाली लेडी थी. मुझे ना रोज चाइनीज खाने की आदत है. चाइनीज के बिना मेरा जी नहीं बनता. एक खा कर वाजवाई जगह लगा. तुम्हारे चाइनीज की आदत की वजह से जो सारे केमिकल्स तुम्हारे पेट में गए वो तुम्हारे बच्चे के पेट में 7 साल से वो ये खा रही है रोज एवरीडे चाइनीज. देखो स्वाद मुझे भी अच्छा लगता है. अच्छा खाना टेस्टी खाना मुझे भी अच्छा लगता है. मैं कोई साधु संन्यासी नहीं हूं लेकिन उसकी भी कोई एक सीमा होती है कुछ हद होती है. एक माँ को इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए कि मैं जो खाना खा रही हूं क्योंकि बच्चे का जो शरीर बनता है वो किससे बनता है. माँ के शरीर से तो बनता है. माँ का शरीर गलत फूड से बन रहा है वो बच्चे का शरीर भी गलत फूड से ही बनेगा ना. बच्चा जब अपनी जिंदगी में पाप करेगा वो तो दूर की बात पहले दूर की बात वो तो माँ के पाप पहले भोग रहा है. उसका पूरा रिपोर्ट्स और बैकग्राउंड में लंच ब्रेक में बात करूंगा मैं. नहीं नहीं करेंगे मैं वो भी डिपॉजिट हो जाता है. मेरे को पूरा समझना पड़ेगा ना केस क्या है. तो फिर क्योंकि कैल्शियम डिपॉजिट्स ये हमारे लिए आम बात है. वो मैं आया ना अभी 7.4 से रोग कैसे होते हैं उस कारण बताया. फिर वो प्रेसिपिटेशन है मेरी कल जो चार्ट थ्योरी बताई उसमें. हाँ और वो प्रेसिपिटेशन है वो पोस्ट लंच करेंगे. अभी हम बात बराबर है शक्कर के भी रहेगी. शक्कर का जो पूछ रहा था ना फॉर्मेलिन इतना हुआ है उसका आंसर करो. हाँ कौन सा आंसर है वो हम बाद में देखेंगे. शराब का मैं समर्थन नहीं करता. महाराष्ट्र में हर एसटी स्टैंड के सामने सरकार मान्य देशी दारू की दुकान करके दुकान है. दारू बंदी डिपार्टमेंट किसका है? माधव जोशी का है. सरकार का है. जिस सरकार को मालूम है कि दारू डेंजरस है जब सरकार को मालूम है दारू डेंजरस है जब सरकार को मालूम है तंबाकू डेंजरस
डेंजरस है, फिर भी उसको बढ़ावा मिल रहा है। तो फिर भी लेबल लगे हुए हैं, शुक्र तो हर घर में यूज हो रही है। हाँ, ये फर्क है, उसमें लेबल लगा हुआ है, इसीलिए शक्कर में लेबल नहीं लगा हुआ है, क्योंकि शक्कर ये अप्रूव्ड पॉइजन है, ये नॉन अप्रूव्ड पॉइजन है। अप्रूव्ड प्रिजर्वेटिव्स, हु द हेल इज अप्रूविंग दिस प्रिजर्वेटिव्स? कैन एनी केमिकल इन द फॉर्म ऑफ बेंजोइक एसिड बी अप्रूव्ड प्रिजर्वेटिव व्हिच इज कॉम्पैटिबल टू? एक प्रिजर्वेटिव का नाम मुझे बोलो कि जो हेल्थ के लिए कॉम्पैटिबल है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं। अब सरकार ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उनको सरकार चलाना है, मुझे मालूम है। फिर भी लिखा हुआ है अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। फ्रूट के अंदर भी शक्कर है जी, फ्रूट मना के अंदर भी शक्कर है, और फिर भी के अंदर शक्कर है, फिर वो केमिकली प्रोसेस शक्कर नहीं, लैक्टोज भी शक्कर है, फ्रुक्टोज भी शक्कर है, ग्लूकोज भी शक्कर है, माल्टोज भी शक्कर है, ये तो परमात्मा निर्मित शक्कर है, ये सहकारी साकर कारखाना ने निर्माण किया हुआ शक्कर नहीं है। उसको भी खाने के लिए मना करते हैं जिसको शुगर की बीमारी, क्यों? देखो, एक बार बीमारी चल गई ना, तो फिर वो शक्कर की वजह से उसके शरीर में इम्बैलेंस क्रिएट होता है शुगर का, इसलिए। जैसे कि मैंने कहा फॉर्मेलिन अगर थायराइड में गया तो इट विल कॉज थायराइड। So, जिसको थायराइड हुआ पहले शक्कर खाना बंद करो। मेरी एक स्टूडेंट है, थायराइड की भयंकर बीमारी थी 4-5 साल की, उसकी शक्कर बंद कर दी, उसका थायराइड ना। Exactly, अब वो फॉर्मेलिन किस पार्ट को डैमेज करेगा? वेयर यू आर जेनेटिकली भर देगा सर, नमक में भी एक मिनट का पूरा ओनली जेनेटिकली। सारे जो ऑटो इम्यून डिसीज एक, जेनेटिक डिसीज दो, जिसका कोई कारण नहीं बताया जाता ना, बेसिकली दीज डिसीज जनरेट आउट ऑफ केमिकल्स इंजेस्टेड थ्रू योर फूड। 50 साल पहले कितने लेडीज को थायराइड था? मेरे डॉक्टर, अनेक डॉक्टर मेरे स्टूडेंट है, वो बोलते हैं सर 25 साल पहले जब मैं प्रैक्टिस शुरू की उस समय 100 में से एक लेडी को थायराइड था, बिल्कुल 1%, और आज 100 में से ऑलमोस्ट 25 लेडीज, ज्यादा ही होगा 90 एग्जैक्टली। चीनी का रेशो सर आप बता देते हो? हाँ, मैं चीनी का रेशो बताऊंगा, बहुत प्यारा रेशो है। आउट ऑफ 24 केजी, हाँ, 1950 में चीनी पर एक संशोधन हुआ था, 1950 में संशोधन का परिणाम यह था 24 केजी स्वीट व्यक्ति खाता है, उसमें से 18 केजी जैगरी गुड़ खाता है और 6 केजी शक्कर, और वो शक्कर भी जो क्या बोलते हैं ब्राउन शुगर बोलते हैं ना, मिश्री खांड, वो नॉट देसी, देसी ये शक्कर तो होती देसी शक्कर। 1950 में ये पॉइजनस शक्कर थी ही नहीं। उस समय ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास 3 प्रकार के रोग आते थे, एक्सीडेंट केसेस, मारामारी की केसेस, और वो दंगल कहीं पुलिस और लड़का झगड़ा हो गया पत्थर पड़ा उसका केसेस। 2010 में दूसरा स्टडी हुआ, उस समय भी 24% ही 24 केजी शुगर खाई जाती है, 18 केजी शुगर और 6 केजी केमिकल गुड़, गुड़ भी केमिकल। और आज इनके साथ साथ गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, नी डिजनरेशन के 90% पेशेंट आज वो है जो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं। क्यों? इतना करोड़ रुपया हेल्थ इंडस्ट्री में डालने के बाद 10% से 90% रोगी बढ़े, क्या कर रहे हो आप? इज दिस द हेल्थ? ये प्रगति है? मेरा भारत महान? शेम। मेरी दादी 84 उम्र में मरी, उसके 84% बाल काले थे जब वो मरी थी, और आजकल पांचवी कक्षा के तुम बच्चे बच्चियां देखो
पांचवी कक्षा में उनके बाद सफेद होने लगते हैं। देखो बाल सफेद होना कोई भयंकर रोग है ये बात नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ हेल्थ है। चश्मा पहले जमाने में कितने बूढ़े लोग सुई में वो धागा डालते थे, पता है एक जमाने में जब लड़की पसंद करते थे तो ये कंडीशन था कि सुई में धागा डाल के दिखाओ। शायद दादी का भी वैसे ही पसंद ही हुआ होगा, पता नहीं, चरके दिखाओ, मतलब पैर में कुछ खोट नहीं है ना, बोल के दिखा, हल्के आवाज में आवाज देने का, मतलब सुन सकती है ना, दैट वाज द वे इट वाज बीइंग जस्ट। ओ मजे की बात छोड़ो, सवाल ये है आज फिर लेजर टेक्निक से चश्मा कम करो, अपना जो वैज्ञानिक प्रगति है ना वो उल्टे पांव का है, पहले बीमारी क्रिएट करो, फिर संशोधन करो, अनुसंधान करो, फिर उसको बीमारी रिवर्स करने की विधि दो। लेकिन बीमारी क्यों हुई उसका विचार मत करो। अरे जब डॉक्टर ने प्रश्न विचारा तो उस गेरा देखो ठीक है, उसने सवाल पूछा उसका जवाब दिया, डॉक्टर गया, कोई बात नहीं। तो ये सवाल है, जानते कौन है, समझते कौन है, करते कौन है, जो जानने वाले। अब मैं मेरा जैसा व्यक्ति अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है तो मैं सारे राजस्थान की पॉपुलेशन की इंसुलिन टेस्ट कराऊंगा, बोले जाके वसुंधरा राजे को कि सारे की इंसुलिन टेस्ट करो, फाइंड आउट करो डायबिटीज, जैसे कि सर ने कहा बैन करो शुगर। अगर वो ये सेशन अटेंड कर रहे होते हो सकता है मैं एक दिन, हो सकता है सर गवर्नमेंट में बड़े ऑफिसर है। देखो वैसे भी वो मेरे, मैं मिलने से पहले ही वो बहुत ही कुछ आरोग्य के और स्वास्थ्य के बारे में करते हैं। अगर उनके मन में, उनको बोला कि आप सुनो समझो बात, अगर उनके थ्रू में और उनका कोई सीनियर ऑफिसर है कोई, और जैसे कल हमने वो कलेक्टर साहिबा से बात की, उनके घर में छोटा सा सेशन रखा, हो सकता है वो लेवल पर कुछ गए तो धीरे 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 परिवर्तन हो सकता है। मैं मानता हूँ टाइम लगेगा, टाइम टाइम की बात है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो उसका काम करे, वो उसका काम। इसलिए मानना समझना, उनको राज्य चलाना है, उसको पैसा मिलता है दारू बेचने के बाद, शक्कर बेचने के बाद। लास्ट ईयर 16 लाख में दुकान ऑक्शन होती थी डिपॉजिट, अब वो 16 से बढ़ा करके 21 लाख है। ओके वो पॉलिटिक्स है, वो अपना दैट इज नॉट आवर डोमेन, हम सिर्फ फिजियोलॉजी एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, बाकी तो बातें चलती रहेंगी, वो तो बहुत सारे डायस है उसके बारे में। एनी क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज फॉर द लंच? सर आपने ये बताया था 20 यूरिक एसिड के बारे में बताया था कि 80% यूरिक एसिड बॉडी की अपनी वो है, उसको भी कम किया जा सकता है? नहीं वो ठीक है, वो हाँ वो 80% नहीं, नहीं जो यूरिक एसिड बनता है, देखो आपकी बॉडी है तो बॉडी का सेल डिसइंटीग्रेट होने के बाद यूरिक एसिड, तो बॉडी में भी प्रोटीन है ना, सो दैट इज नॉट हार्मफुल। इवन फूड का प्रोटीन हार्मफुल नहीं, आपके नेफ्रॉन्स की क्षमता अगर बरकरार है तो आप जो भी प्रोटीन खाओ, एक्सेस प्रोटीन आइदर कन्वर्टेड इनटू फैट, और अगर नहीं है तो यूरिन से निकल जाएगा। वो जब इसकी क्षमता इंपेयर होती है बिकॉज ऑफ फॉर्मेलिन, वो जो शक्कर खाते हैं ना, वो शक्कर में जो फॉर्मेलिन है उसकी वजह से उसकी किडनी की इंपेयरमेंट होगी। आप डायलिसिस, कितना दुर्भाग्य, आप मन में सिद्धि विनायक करके एक मंदिर है बॉम्बे में, सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक मंदिर के पास करोड़ों रुपए है, अच्छी बात है, मुझे उसमें द्वेष नहीं है, मंदिर के उनके पास करोड़ों रुपए है। उन्होंने एक स्कीम तैयार की है 200 रुपए में डायलिसिस, और उनको लग रहा है कितना बड़ा सेवा कर रहा हूं मैं समाज का, कप्पा मजा, खरी सेवा, साखर बंद करके किडनी बचाना ये खरी सेवा है, किडनी को तोड़ो फोड़ो मारो और सस्ते में डायलिसिस कराओ, ये काहे का न्याय हुआ, कौन समझेगा उसको? प्रसाद लाख लाख, और जितने लोग ज्यादा पढ़ते हैं ना उतने वो समझने के काबिल नहीं होते। सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर कोलेस्ट्रॉल आल्सो, कोलेस्ट्रॉल आपका जो मूल बिंदु सुबह से रहा है कि व्हाट नॉट टू डू, नॉट पे आपका पूरा फोकस था, तो उसी से रिलेटेड बात कि केमिकल्स बहुत सारी फॉर्म्स में और भी काफ़ी पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत बहुत सारी चीज़ें फूड में आ रही हैं,
और कुछ दो दो सवाल इससे रिलेटेड, एक तो फॉर्मलिनिया जो दो चार केमिकल्स आपने बोले उसके अलावा भी क्या कोई मेजर मतलब डेंजरस केमिकल्स हैं? नंबर टू, एक एक जब वो सवाल रिलेटेड है कि जब कुछ बाजार में कहीं कुछ मिल नहीं रहा है तो उनको लेते हुए भी क्या हम कुछ कर सकते हैं उसमें, क्या सावधानी बरतनी है, क्या हम करें उसके बारे में? गुड, वेरी गुड। ये मैं हूं, कैसा हूं मैं? सफरचंद, द्राक्ष, खजूर, कलिंगड़, पपई, सब्जी, फ्लावर, पालक, जिस पर सो कॉल्ड पेस्टिसाइड स्प्रे किए हैं, यही आपका सवाल है ना? इस तरफ है शुगर, टी, कॉफी, अचार, पापड़, रिफाइंड ऑयल, कोका कोला, बर्गर, पिज्जा, मैकडोनाल्ड, सबवे, बिस्किट, हैडल, ये दोनों के चपेट में मैं आ गया। ये मेरा लीवर है, कितनी सुंदर लीवर है भाई जी। ये मेरा लीवर है, मेरे लीवर 10 और 10, 20 शत्रु से लड़ने की क्षमता नहीं रखती। इसमें से जो मैं थोड़ा सोच के बजट में थोड़ा रियलाइज करके अगर इतने में काट दूं तो मेरी लीवर, ये जो नायराज से मेरे पेट में शत्रु जा रहे हैं उनको परास्त करने की क्षमता रखती है। आप मेरी बात समझ रहे हो? मेरा सारा का सारा परिवर्तन, एक फेल्यूर स्टूडेंट डिस्टिंक्शन से पास होने तक का मेरा सारा जर्नी, क्या आपको लगता है ऑर्गेनिक फूड खा के हुआ है? सॉरी, कांदिवली में मैं जो कलिंगड़ खाता हूं उसको भी इंजेक्शन मारा हुआ होता है, जो केला मैं खाता हूं वो भी केमिकल में डुबाया हुआ होता है, जो मैं पालक खाता हूं वो भी दादर, बॉम्बे सेंट्रल और एलपीचन रोड के गटर पर उगाया हुआ होता है। तो इस भ्रम में मैं आपको नहीं रखना चाहता हूं कि आरोग्य चाहिए तो ऑर्गेनिक चाहिए, आरोग्य चाहिए तो फरना चाहिए, धमका चाहिए। नो, योर लिवर इज स्ट्रांग इनफ टू फाइट 10 एनिमी एट अ टाइम। आप ये भी डालो नाइलाज है, ये भी डालो खुशी खुशी डालो, फिर मरो। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर मुझे इसके बदले ऑर्गेनिक फूड मिले तो सोने को सुहागा, मैं ना नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं रोते नहीं बैठूंगा, अरे मेरे को ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा है, मेरा सेहत कैसे सुधारेगा, क्योंकि लीवर का उपकार नहीं कर रही है। लीवर कोई उपकार नहीं कर रही है, लीवर की परमात्मा ने या नेचर ने उसके जिम्मेदारी दी है कि तुमको डिटॉक्सिफिकेशन करना है। लीवर इज एम्पावर, एनेबल टू डू द थिंग, लेकिन उस पर कितना भार डालना वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी के घर जाते हो, कोई बोलता है पेड़ा खाओ, आप उसको ना बोल सकते हो ना, उसको कैसा लगेगा? अरे लीवर को कैसा लगेगा ये सोचो, लीवर को कैसा लगेगा ये सोचो, उसको क्या लगेगा? वो मूर्ख आदमी है, मूर्ख व्यक्ति के मत को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हाँ 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 करने का से उसको ज्यादा महत्व नहीं देने का, वो मूर्ख है, उसको नहीं मालूम है इसके क्या डैमेज होता है। तो इतना अगर आप कर दो तो आई प्रॉमिस केमिकली ग्रोन इंसेक्टिसाइड्स मारे हुए फूड खाने के बाद भी आप तंदुरुस्ती पा सकते हो, जो मैंने पाई है, मेरे हजारों स्टूडेंट ने पाई है। काहे का ऑर्गेनिक फूड? तंदुरुस्ती पाने के लिए कोई जरूरत नहीं ऑर्गेनिक फूड की, अगर मिले ग्रेट, ना मिले आपको तंदुरुस्ती देना मेरा काम है, लेकिन शक्कर को गटर में फेंकने को तैयार नहीं है आप तो आपकी और मेरी बात बनेगी नहीं। आई एम सॉरी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं परमात्मा देखा नहीं है, सुना है उसके बारे में कि वो सर्वव्यापी है, लेकिन मैंने शक्कर सर्वव्यापी है अनुभव से बोल रहा हूं। नेक्स्ट टू परमात्मा शक्कर ही सर्वव्यापी, ओमनीप्रेजेंट बोलते हैं ना, जो सब जगह है। आप दुकान में जाओ, किसी भी दुकान में किसी भी फूड मतलब जो पैकेट बांटने उठाओ,
उसमें शक्कर मिलेगी आपको। प्रहलाद ने कुछ वो खंबा फोड़ा और फिर वो कौन आया, नरसिंह आया, वो बाटली फोड़ो वो अंदर से वो शक्कर माया रहे काएगी तुमको, तो तुम्हारा पेट फटेगी शक्कर, क्योंकि हर चीज में शक्कर है सर। वो शक्कर मतलब सहकारी साकर कारखाने बनाई हुई शक्कर, निसर्ग में तो शक्कर है, सारा शक्कर है, माइटोज फ्रक्टोज ग्लूकोज सब वो शक्कर होता है।